और चीन से बहुत अहम खबर है। चीन ने पहली बार पिछले 35 दिनों में हुई मौत का आंकड़ा जारी किया है। पाकिस्तान में जल चुनाव कराने के लिए इमरान खान ने क्या बड़ा दांव खेला है? दुश्मन मुल्कों की साजिश से जुड़ी तमाम अहम खबरें देखते हैं दुश्मन चीन पाक टॉप 9। WHO और दुनिया के दबाव के बाद आखिरकार चीन ने पहली बार कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा जारी करते हुए माना कि पिछले 35 दिनों में कोरोना से 60,000 लोगों की मौत हुई है। मौत का यह आंकड़ा अस्पतालों का है, घरों में हुई मौत का आंकड़ा चीन ने नहीं बताया। चीन में कोरोना की बेकाबू हालत को देखते हुए WHO ने चीन से और बेहतर सहयोग की अपेक्षा की है। WHO ने कहा कि कोरोना कहां से फैला इसका पता लगाने में चीन को WHO की टीम को मदद करनी होगी। इससे पहले चीन लगातार WHO की टीम को जांच में मदद करने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान और चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त संदेश दिया है। जयशंकर ने कहा है कि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक कर भारत ने बता दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कितना प्रतिबद्ध है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराने के लिए इमरान खान ने बड़ा दांव चला है। इमरान ने शहबाज सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंजाब प्रांत में PMLQ और PTI की गठबंधन सरकार की विश्वास मत हासिल करने के बाद भी असेंबली को भंग करवा दी है। पंजाब प्रांत असेंबली भंग करवाने के साथ इमरान खान ने खैबर पख्तूनवा में भी अपनी पार्टी की सरकार से असेंबली को भंग करने की सिफारिश करवा दी। CM महमूद खान ने इसका ऐलान किया है। इमरान के ये सारे दांव जल्द आम चुनाव कराने के लिए हैं। MQMP के समर्थन वापसी की धमकी के बाद से ही पाकिस्तान में शहबाज सरकार संकट में है। इमरान भी इसी मौके की तलाश में है। इमरान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से फोन पर बात की और कहा कि अगर MQMP समर्थन वापस लेती है तो शहबाज सरकार को बहुमत साबित करना होगा। कभी सेना के फेवरेट रहे इमरान खान ने अब नए सेना प्रमुख जनरल मुनीर के खिलाफ भी हमला करना शुरू कर दिया है। इमरान नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तैयारियों में सेना की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जनरल मुनीर पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव का फैसला सरकार को लेना है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में पल पल बदलते राजनीति हालात के बीच लंदन में कई साल से रह रहे पूर्व PM नवाज शरीफ के वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। शरीफ परिवार के करीबी सूत्रों ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि नवाज और उनकी बेटी मरियम 10 दिनों में मुल्क लौट सकते हैं। इंडियन ओशन पर नजरें गड़ाया चीन जिबूती में अपना मिलिट्री लॉन्च पैड बनाने जा रहा है। चीन अपने इस मिलिट्री लॉन्च पैड का इस्तेमाल सैन्य सैटेलाइट को लॉन्च करने में करेगा। चीन अपने निगरानी तंत्र को भी तेजी से डेवलप कर रहा है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।